कलाकार से बनती है कलाकारी या कलाकारी से बनते हैं कलाकार? इस सवाल का जवाब तो लगभग सभी के पास होगा, क्योंकि हर घर में होते हैं कुछ ऐसे कलाकार जो अपनी कला से कर देते हैं सबको हैरान। वेल, आई एम योर शिखा, वेलकमिंग यू टू द शो आर्ट विला। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो आपकी हस्ती खेलती जिंदगी को और ज्यादा कलरफुल बना देते हैं। वैसे लाइफ और कलर से याद आया कि लाइफ जीना भी एक आर्ट है, जिसमें हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर से रूबरू होते हैं। वेल, मैं अपनी फिलोसफी की क्लास अब बंद करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ अपने आज के आर्टिस्ट से। मैं जानती हूँ कि हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आज हमारे साथ स्टूडियो में आखिर है कौन। तो आपको आपकी एक्साइटमेंट को देखते हुए हम आपको मिलवाते हैं हमारी ब्रिलियंट, मैजिकल, ब्यूटिफुल हमारी आज के आर्टिस्ट से। वेलकम अंशी शर्मा। अंशी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अंशी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंशी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज आप क्या सिखाने जा रही हैं, क्या बनाने जा रही हैं, कुछ बताएं। तो चलिए अपने व्यूअर्स के एक्साइटमेंट को थोड़ा ख़त्म कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि आज हम किस चीज़ से क्या बनाने वाले हैं। आज हम जो बनाने वाले हैं वो अक्सर आप खाना खाकर उसे हाथ साफ करके उसे यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि उससे कितनी नायाब चीज़ बन सकती है। लेकिन अंशी, आखिर वो है क्या? वो है टिश्यू पेपर। क्या, टिश्यू पेपर? जी हाँ, टिश्यू पेपर से आप इतनी खूबसूरत चीजें बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अंशी, अब प्लीज हमसे वेट नहीं हो रहा है, आप प्लीज जल्दी शुरू कीजिए और बताइए कि आखिर वो चीज है क्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना टिश्यू पेपर से कुछ, और आप धीरे धीरे आपको समझ आ जाए कि हम क्या बनाने वाले हैं और किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। चाहिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक वायर चाहिए, कुछ टिश्यू पेपर, सीजर्स, और इतनी कम चीज़ों में इतनी खूबसूरत चीज़ बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए दो टिश्यू पेपर्स। ये रहे वो टिश्यू पेपर्स। देखिए, मैंने दो दो कलर चूज़ किए हैं, कैसे लगे? बहुत ही सुंदर है अंशी। और ये सीजर। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक के ऊपर एक इनको रख कर इक्वली हम इसको रख लेंगे और धीरे धीरे इसको कट करेंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे। अंशी, कटिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? कटिंग करते हुए बस यही कि आपके फिंगर स्ट्रेट हो और आपकी जो फिंगर है वो सीजर के अंदर ना आ जाए। ऑब्वियसली बात है, बच्चे मोस्टली ऐसा करते हैं कि ध्यान से कुछ काम नहीं करते हैं और कुछ देख के कुछ करते हैं, तो उससे चोट लगने का खतरा बढ़ता रहता है। और अंशी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इनका बैलेंस खराब होगा। जी हाँ, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इनका बैलेंस ज़रूर ख़राब हो जाएगा। चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। चलिए, दो हमें मिल गए ऑरेंज और एक हम यूज़ करेंगे ग्रीन। कहते हैं ना, कलरफुल चीज़ें ज़्यादा प्यारी लगती हैं लोगों को। बिल्कुल, हमारे कलरफुल शो की तरह। जी हाँ, चलिए कटिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसे रखने का तरीका बताया जाएगा आपको कि आपको किस तरीके से रखना है। देखिए, दोनों अलग अलग कलर्स हैं, जैसे ऑरेंज एंड ग्रीन, और किस तरीके से उस चीज़ को उभारा जाए इसके लिए आपको क्या करना है। पहले आप ग्रीन यूज़ करेंगे, देन ऑरेंज, फिर से ग्रीन और फिर ऑरेंज, और ये एक्स्ट्रा है ये आप ले लीजिएगा। इसके बाद जब हम इसे एक के ऊपर एक रख लेंगे, और देखिए ये इक्वल हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे ठीक तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके फोल्ड करना है, ऐसे। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, बस यही करते करते ये काम हमारा हो जाएगा। और देखिए, जब भी आपको लगे कि ये टिश्यू पेपर, क्योंकि ज़्यादातर टिश्यू पेपर की साइज़ थोड़ा थोड़ा अलग होता है और कटिंग करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो चीज़ ये एक्स्ट्रा होती है कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ कट कर देना है आपको। चलिए, इसकी कटिंग हो चुकी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीच का हिस्सा को बहुत ही ज़ोर से प्रेस करेंगे, जिससे जो बाकी के हिस्से हैं वो खुल जाएं, खुल के सामने आए आप लोगों के। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लेंगे एक छोटी सी वायर, कुछ नहीं करना। देखिए, जब भी वायर यूज़ करते हैं, एक प्रॉब्लम हमेशा हम लोगों के सामने ज़रूर आती है, जब भी वायर यूज़ करते हैं तो वायर, देखिए क्योंकि यहाँ से नुकीली होती है तो बच्चों को लगने का खतरा हमेशा ही रहता है, तो आप इसे यूज़ करने से पहले इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें, तो जब आप इसे ऐसे टर्न करेंगे तो किसी तरीके से दिक्कत आपको जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
और ये बीच में से हमने सेंटर में ऐसे किया और ये हमने इसको टर्न कर दिया एक कुछ इस तरीके से। देखिए हम इसे ऐसे लॉक कर देंगे जिससे ये टिश्यू पेपर खुले ना। और उसके बाद देखिए जब आप इसको सेंटर से इसको ऐसे मोल्ड कर देंगे इसकी वायर को, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ये टिश्यू पेपर है ऑब्वियसली बात है, एक हल्के से तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो कुछ नहीं करना, इसे सेंटर से आपको बस प्रेस करना अपने फिंगर्स के थ्रू। और देखिए ये बन गया, इसको इसकी हर साइड को हम लोग प्रेस करेंगे। ओके खोल तो हम चुके हैं, अब इसकी कटिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके कॉर्नर्स को हम इस तरीके से कट करेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड फिर से राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। लीजिए ये हो ही गया है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब मुझे ये लग रहा है कुछ कुछ कि कोई फ्लावर बनाने जा रही हैं, क्या मैं सही हूँ? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखिए अब इसके कॉर्नर्स को हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, जो इसका एक एक पेटल है वो खिल के ऊपर आए और खूबसूरती के साथ वो एक अलग ही चीज़ बन के निकले। और ये हमने इसकी कटिंग कर दी, कॉर्नर्स पे हम एक एक पॉइंट को हम ऐसे यहाँ पे कट करेंगे, कटते जाएंगे कट। अच्छा टिश्यू पेपर बहुत नाजुक होता है, इसकी कटिंग करते हुए हमें कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है? इसकी हर चीज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और ध्यान की ज़रूरत है, वैसे तो किसी भी काम को करने के लिए फोकस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हो ही चुका है, और बताइए कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत ही खूबसूरत रहा है, लेकिन फाइनल टच का वेट किया जा रहा है बस। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो धीरे धीरे देखिए, देखते नहीं क्या होता है। चलिए तो हम काम करना शुरू करते हैं। जब हम इसके लेयर्स को ऊपर करना स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर कि आप नीचे से यानी जहाँ से हमने इसे लॉक किया है उसको इस तरीके से पकड़े अपने थंब और फिंगर के थ्रू, जिससे ये टिश्यू पेपर को लग से आपको फट ना जाए, या देखिए आपके नेल्स भी हो सकते हैं जिससे ये फट जाए। तो धीरे 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 एक एक लेयर आप बाकी चीज़ों को आप पकड़ेंगे प्लीज़ मेरे लिए, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे इसकी खूबसूरती लोगों के सामने आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। एक ज़रा से टिश्यू पेपर, एक सिंपल से टिश्यू पेपर में आपने जान डाली है जो, सच में। और अब ये ग्रीन कलर। अच्छा अब आप समझ गए होंगे कि मैंने टिश्यू पेपर को एक दूसरे के ऊपर एक क्यों रखा था, वो इसीलिए कि वो कलर्स अलग अलग तरीके से निकल कर आएँ। और यही नहीं, जब आप इसे टर्न करते हैं तो, और जब आपका एक साइड कंप्लीट होता है वो डायरेक्ट दूसरा निकालने के लिए ही वो काम किया गया है। और ये धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा है सच में जैसे फूल खिलता हुआ ऊपर आ रहा है एकदम, सच में ऐसी, और वो हम देख भी नहीं पाते लेकिन इसे हम देख भी सकते हैं और खुद बढ़ा भी सकते हैं इसे। हंशी आपने तो कमाल ही कर दिया सच में। और ये देखिए ये फ्लावर, ये लो शिखा, ये फ्लावर बुरी तरह से अब ये बन चुका है देखिए। और ये मेरे लिए है, क्यों? जी हाँ ये आपके लिए, और आप भी ऐसे कई फ्लावर्स किसी के लिए भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये कभी मुरझाता नहीं है। मुरझाता नहीं है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स ही जाने के लिए एक्साइटेड हैं कि इनका आखिर यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है। इसका यूज़ बहुत तरीकों से किया जा सकता है, और यही नहीं इसको आप कई नए रंगों के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करके इसके जो रंग है उनको और उभार कर किसी भी तरीके से किसी की पार्टी में गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे इसके सैंपल्स बनाए हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाइट कलर का ये अंशी, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने हाथों से बनाया, बिलीव नहीं हो रहा सच में। जी नहीं ये बिल्कुल हाथों से ही मैंने इसे बनाया है। और लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप वाइट टिश्यू पेपर के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि वाइट है तो ऑब्वियसली बात है आपके हैंड्स तो क्लीन होने चाहिए नो डाउट,
लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी टिश्यू पेपर्स के अकॉर्डिंग वाइट जो टिश्यू पेपर आता है वो ज़्यादा नाजुक होता है, और नाजुक चीज़ों को ज़रा आराम से और ध्यान से उसके साथ काम करना चाहिए। तो उसे इसी तरीके से इसकी खूबसूरती को निखारा जाएगा कि इसके साथ आराम से काम किया जाए। वैसे अंशी, इसका एक फ़ायदा ये है, जो असली फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं और ये मुरझाएंगे नहीं, और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ तो अच्छी लगती ही है, और अगर चीज़ अच्छी लग रही है और वो खूबसूरत भी बन जाए तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और जब इसे कोई देखेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई कहेगा कि किसने बनाया, और आप कहेंगे आपने बनाया। तो अंशी वैसे मैं इसे अपने घर ले जाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहती हूँ कि मेरे गेस्ट बहुत खुश हो जाएं इससे। जी बिल्कुल, और ये देखिए इसी के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट जो आज हमने ये फ्लावर बनाया था यहाँ पे, ये देखिए ये ऑरेंज बनाया था ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए, और एक ये भी था, ये मल्टी कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स के बीच में आप लोग इसके साथ इनका तालमेल बनाकर इन्हें किसी को दे सकते हैं, देखिए ये। और यही नहीं है, एक और अलग चीज़ है जिसके साथ आप इसका काम कर सकते हैं, सोचिए वो क्या होगा। घर की सजावट तो हो गई, अब और क्या हो सकता है? अब हो सकता है किसी का गिफ्ट, यही नहीं पेंटिंग की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी को प्रेजेंट दे रहे हैं, या दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए हैप्पी बर्थडे, वाओ, वो भी किसी कोई खुश हो जाएगा सच में। जी हाँ, ये देखिए ये किसी का बर्थडे हो, आपका बर्थडे तो नहीं आ रहा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए तब हम मिले ना मिले तब के लिए मैं अभी से आपको ये दे देती हूँ हैप्पी बर्थडे शिखा, और आप किसी भी अपने किसी फ्रेंड को इसे ऐसे गिफ्ट कर सकती हैं। और यही नहीं, अगर आप इसकी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि इससे पेंटिंग बनाना चाहें कुछ, तो आप क्या किए, इसके अंदर एक छोटी सी पेंटिंग पेस्ट कर दीजिए जहाँ मैंने ये ब्लैक पेपर पेस्ट किया है, जिससे पेंटिंग काफ़ी अच्छे से उभर के आ सके। जी हाँ, यहाँ पे आप कुछ यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि एक पेपर आप लिया आपने ऐसे और इस तरीके से, और धीरे धीरे यहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स के साथ, और ये इस तरीके से इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा उभारेगा, और हो सके जितने डार्क कलर यूज़ कीजिए इससे ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूँ जिन फ्लावर्स के बीच में वायर नहीं होती, देखिए इनके पीछे वायर नहीं है, ये मैंने पेस्ट कर रखे हैं, तो ये पेस्ट मैंने किस तरीके से किए हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों ने वायर यूज़ करी है, मतलब जहाँ मैंने आपको सिखाया कि इस जगह वायर यूज़ की जाती है, इस जगह आपको थ्रेड यूज़ करना है, आपको यहाँ वायर से उसे लॉक नहीं करना, आपको थ्रेड यूज़ करना है, उसे टाइटली उसको बांध कर तब वो इस तरीके से खुलेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि जो उसकी जो कलियाँ हैं जो हम बनाएंगे वो खुल जाए, बस उसके लिए आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने व्यूअर्स पर, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने आज हमारे शो से बहुत कुछ सीखा होगा, और वो यूँ ही अपनी लाइफ को हमारे शो की तरह कलरफुल बनाते रहेंगे, पर अपनी कला को जगाते रहिए। तब तक नमस्कार।